बहुत अच्छा साउंड कर सकता था, लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं, और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में हैं. जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो डायरेक्ट किया हो, उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो, वो बहुत ही अलग ही, मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में. एंड पूरा श्रेय उनको जाता है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है. एंड या बिफोर प्रॉफिट करना हैपन कास्टिंग सोच के नहीं नहीं अच्छा उसके नहीं बाद ही हुआ मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज़ सर के साथ, बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या, मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से. बट ऑफ कोर्स आई 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 रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है, वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में, कास्टिंग को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर. एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक ये आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में, और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी. सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था. वो एज अ फिल्म ही हमेशा से, एंड इम्तियाज़ अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं. आज तक के उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं, वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं. तो आई आई रियली फील दैट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस बीइंग अ पार्ट ऑफ लव आजकल. Sara, you had also, you know, said once, like, you know, you had used to adore Kartik and used to, so He used that to was also one of the reasons. Or Kartik, आप तो बहुत शर्माते थे पहले पहले, like, you know, जब सारा हाँ इस तरह से बात अभी भी करते शर्माता हूँ. Yeah, what I mean to say, I mean, you know, now like you are together and we are also really really happy to see you all together. Very good. Sweet. क्या बोल Sir, come see us together for 2.5 hours on the 14th of February and celebrate love with us. That would be, but it was, your chemistry can be seen, you know, it's happening, it's it's happening. fabulous. And everyone is like enjoying being together, that's what you mean to Jo say. So what do you have to say on that? Sara also knows that. Thank you very much. फर्स्ट फिल्म रिलीज होने से पहले या पोस्टर निकलने से पहले हुआ, वो You किसी know, का हुआ नहीं है. it's difficult to keep like while I'm appreciative, but it's difficult to keep answering this question with equal enthusiasm because one has been saying this now for like 20 days nearly. But we should say it like it's the first time because आपके लिए तो पहली बार है तो बोलेंगे. I think that we're very grateful. It's not very often that you see people getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, you know. तो 98% बहुत थैंकफुल हूँ और अभी 2% थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे के दिन स्क्रूटनी तो बहुत होनी है कि देखते हैं ये है क्या लेकिन. सो आई मीन रियली बट दैट असाइड आई थिंक दैट वी बोथ आई कैन स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस व्हेन आई से दैट वी आर वेरी वेरी थैंकफुल and very very grateful to all the encouragement that we get. सारा इसके अलावा आपके डैडी ने लव आजकल की है, किस तरह की मेमोरी रही है वो टाइम की आपकी, और आपने जब पहली बार लव आजकल देखी थी तो उस बारे में कुछ बताइए. सर देखी तो मैंने इम्तियाज़ सर की सारी फिल्में हैं और सारी ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एवरी टाइम मैं ये सोचती हूँ कि मैं लव आजकल के सेट पर थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इम्तियाज़ सर के सेट पर थी और मैंने कुछ देखा नहीं, मतलब मैंने एक्टिंग देखी नहीं किसी की, मैंने शॉट्स देखे नहीं, मैं सिर्फ खाना खा रही थी और दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी. तो बहुत ही स्टूपिड फील होता है. काश मैं वहाँ जाकर कुछ सीख लेती बैक देन, तो लेकिन नहीं किया. पर आपको क्या सीखने की जरूरत, आपके मम्मी डैडी इतने उलझे हुए एक्टर, आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं. मैम काश ऐसा होता, लेकिन कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये रगों में दौड़ने वाली चीज़ होती नहीं है. तजुर्बा होता है दोनों मेरे माता पिता का एज एक्टर्स, जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ. लेकिन टैलेंट सब में अपनी होती है, इंसान सब अपने ही होते हैं और किस्मत भी हम अपनी ही लेकर आते हैं. तो ऐसा नहीं है, तजुर्बा एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं, लेकिन सॉरी सॉरी इतना नहीं देना चाहिए. आई थिंक बहुत आवन जावन होता है आज के ज़माने में, ऑलमोस्ट ओपिनियंस स्पेशली बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, और I don't take it too seriously. Sara is matured in her thoughts also. She tries. Bahar wali Sara is mature in her thoughts. Yeah.
जी मैं इस बारे में अभी कुछ बात मतलब आई थिंक इम्तियाज अली सर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटर है बाकी जी मैं और जी मैं ओम राउत जी की फिल्म कर रहा हूँ अगली फिल्म जो कि मेरी पहली एक्शन फिल्म होगी और काफ़ी टाइम से मुझे एक एक्शन फिल्म करनी थी एक अगेन एक जॉनर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड ताना जी देख के आई वॉज ब्लोन अवे विद द फिल्म जिस तरीके की वो फिल्म है जिस स्केल की वो फिल्म थी और इनके जो जो विजुअली या फिर जो ओम राउत का एक सेंस ऑफ विजन है वो बहुत आगे की सोचते हैं सो आई रियली आई एम ग्लैड कि उनकी नेक्स्ट मूवी का हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ तो मेरी नेक्स्ट फिल्म मैं उनके साथ एक ओम राउत के साथ फिल्म कर रहा हूँ होती है आप लोगों की तरह से लाइक हमने देखा रोज डे था आज प्रपोज डे है सो ऐसा कुछ अगर होता है तो हम रोज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं ऐसा क्या वैलेंटाइंस डे एक ही दिन नहीं होता लव आजकल देखने जरूर जाएंगे वैलेंटाइंस डे पे इस बार और प्लान कैसे बताएं यार ऐसे ये आपस की बात है हमारी कुछ और किसी ने आपको प्रपोज किया अभी भी स्कूल में ही हम और लाइफ इज अ स्कूल सारा जी स्कूल में स्कूल में कुछ स्कूल वाला वैलेंटाइंस डे यू हैड अ क्रश और समवन हैड अ क्रश समवन केम इन सो ड्यूरिंग स्कूल आई हैड अ मेजर क्रश ऑन फूड एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट प्रपोज किया फूड को वैलेंटाइन फूड ने मुझे प्रपोज किया डोंट लीव मी बेबी कीप जस्ट कीप गोइंग खाने से प्यार छोड़ खाने को छोड़ दिया छोड़ना पड़ा खाना बहुत ब्यूटीफुल इट इज एज अ कॉन्सेप्ट इस पर फिल्में बननी चाहिए बातें नहीं होनी चाहिए मेरा वो मानना है ट्रू लव पे बिलीव करता हूँ आई रियली फील कि कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में और साथ ही साथ आई फील कि डेफिनेशन कोई लव की नहीं हो सकती बिकॉज वो फीलिंग है वो बयान नहीं की जा सकती और और मतलब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपको बस बहुत अच्छा लगना चाहिए एक रिलेशनशिप में सफोकेशन नहीं होना चाहिए थैंक यू Thank you.